हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि PMI और EMI क्या होता है। आज मैं आपको सहज में आपको बताता हूँ कि PMI क्या होता है। जब कोई प्रोजेक्ट बिल्डर बेचने के लिए लॉन्च करते हैं, सेल करने के लिए, जैसे सपोज़ कोई भी प्रोजेक्ट जैसे एक से लेके 30 माले का हो या 50 माले का हो, तो होता क्या है कि जब वो लॉन्च करते हैं तो सबवेंशन स्कीम रखते हैं या विदाउट सबवेंशन स्कीम रखते हैं। किसी में CLP पेमेंट प्लान रहता है, किसी में सबवेंशन पेमेंट प्लान रहता है। अब मैं आपको सबवेंशन पेमेंट प्लान और CLP पेमेंट प्लान, ये दोनों तो बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए PMI और EMI क्या है। PMI मतलब होता है कि बिल्डर जैसे ना आपको सेल किए, सेल करने के बाद जब वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब सपोज़ अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उन्होंने 10% ही कंस्ट्रक्शन किया है, 10% अगर उन्होंने बनाया है, तो बिल्डर 10% के हिसाब से आपसे पेमेंट लेते हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे वो बिल्डिंग बनाने लग जाते हैं, उसी के अनुसार वो आपसे पेमेंट लेने लग जाते हैं। अब सपोज़ आपने अगर अपने हैंड से 10% पेमेंट दिया है उनको, 10% पे किया है, बाकी का प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से आपने 90% अगर लोन किया है, वो 90% का जो पैसा है वो आपको बैंक देने वाली है, 10% आप अपने हैंड से देते हैं पेमेंट के लिए। अब बिल्डर का डिमांड 10% तो आपने फुलफिल कर दिया ऑन बुकिंग, आगे आने वाले टाइम में जब बिल्डर आपको और 10% का डिमांड भेजते हैं, सपोज़ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10% आपने दे दिया 10 लाख रुपया, फिर से 2-3 महीने के बाद अगर वो 10% का फिर से डिमांड भेजते हैं तो 10% जो आपके बैंक से आपके बिहाब में आता है, तो समझो 10 लाख रुपया अगर बैंक से बिल्डर ने डिमांड किया तो बैंक ने आपके एलिजिबिलिटी को देख जो 90% लोन हुआ उसमें से 10 लाख रुपया वो रिलीज करता है, जितना कंस्ट्रक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। जब 10 लाख रुपया बैंक आपके बदले बिल्डर को देती है तो उस 10 लाख बैंक आपसे PMI लेती है। PMI में होता क्या है दोस्तों कि इसमें प्रिंसिपल आपसे कुछ भी लेती नहीं है बैंक, इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेती है जब तक कि बिल्डिंग वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। सपोज़ बिल्डर ने 10% आप पे कर चुके हैं, 20% का डिमांड भेजती है तो 10% और बैंक से लिया जाता है। 10 लाख रुपया अगर बैंक बिल्डर को देती है तो 10 लाख रुपये का आपका PMI चालू हो जाएगा। जनरली लोन का EMI कैलकुलेट होता है 20 ईयर के लिए 700 रुपीज़ पर लाख, उसमें आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आ जाता है, लेकिन PMI में सिर्फ इंटरेस्ट काउंट होता है। और ये जो 20 लाख रुपया आपने 20% के हिसाब से दिया, जिसमें 10% तो आप पे कर चुके थे पहले ही, 10% बाद में आपने पे किया है, तो उसका आपको PMI भरने को आएगा। 10 लाख रुपये का PMI सपोज 300 रुपये आता है तो वो 300 रुपये सिर्फ आपको इंटरेस्ट आएगा पे करने को, और ये PMI कहलाता है। उसके बाद फिर बिल्डर ने अगर 30% बना दिया तो 20% तो वो ले चुका, अब फिर से 10% का डिमांड आएगा 6 मंथ के बाद, जब वो प्लिंथ रेडी कर देगा तो प्लिंथ के ऊपर 30% पेमेंट बिल्डर बायर से ले लेते हैं। वापस समझिए, अगर 30% का डिमांड आ गया तो 20% आप दे चुके हैं, फिर से 10 लाख रुपया उसने डिमांड भेज दिया 10% का, अब बिल्डर ने आपके बदले बैंक से 20% ले चुका है। अब वो 20% का PMI वापिस समझ लीजिए कि अगर 10 लाख का 3,500 पर लाख 350 रुपये पकड़ते हैं, 350 पकड़ते हैं, तो 10 लाख का 3,500 होता है, 20 लाख का 7,000 रुपया होता है। इस टाइप से PMI आपका जाता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐड नहीं करते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक कि बिल्डर आपको 100% पोजीशन नहीं दे देते। 100% पोजीशन हो जाता है जब वो चाबी की हैंडओवर करते हैं, कंप्लीट आपको 100% का सर्टिफिकेट देते हैं, और 100% फंड आपके बैंक से जब वो ले लेते हैं, और 100% फंड लेने के बाद फिर बैंक आपसे PMI नहीं EMI स्टार्ट करती है। और वो EMI का पीरियड 20 ईयर का हो या 30 ईयर का हो या 25 ईयर का हो, यानी 20 साल 25 साल 30 साल जितने दिन के लिए भी आप लोन लेते हैं, उतना दिन का काउंटिंग जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद का काउंटिंग आप पकड़ते हैं बैंक हमसे 20 साल या 15 साल या 30 साल के लिए, फिर वो EMI लेते हैं। EMI में दोस्तों आपको बता दूं, EMI का एवरेज रहता है वो 1 लाख के ऊपर 700 रुपया
आप पकड़िए कि पर मंथ आपको ईएमआई आता है एक कैलकुलेशन के हिसाब से 20 साल के लिए। तो अगर आप 90 लाख का अगर लोन लेते हैं तो 90 लाख का 20 साल के लिए 63,000-64,000 तक का आपको ईएमआई आता है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होके आता है। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि प्री ईएमआई और ईएमआई का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे कि ये प्री ईएमआई और ईएमआई का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक्चुअली ये बहुत सस्पेंस है, बहुत सारे लोगों को अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया है कि प्री ईएमआई ईएमआई होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है दोस्तों, और आज मैंने इजी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। अगर आप कन्वे हुआ है तो आप हमें कमेंट करें, और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारी ओर से पूरी कोशिश होती है हमारे कस्टमर को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे बायर्स को प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी नॉलेज हो तो हम उनको प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका काम बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों आज का सब्जेक्ट प्री ईएमआई और ईएमआई का रहा। दोस्तों फिर से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे हर नए वीडियो में नए नए रूल्स, नए नए प्रॉपर्टी ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों। We'll be right back.